हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक जो है डीपीएस है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। तो ये जो है आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका वायरिंग कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसका मेन एडवांटेज क्या है यूज करने का, मैं आप लोग को फुल डिटेल से इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है डीपीएस का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। तो डीपीएस इसका नाम से ही पता चल जाता है, ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच का मतलब क्या है कि ये प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे ये यूज कहाँ पे किया जाता है। ये जो है अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं जहाँ एचवीएसी सिस्टम में एचयू वगैरह डक्ट जो है वहाँ लगा रहता है, किसी भी एयर प्रेशर डक्ट यानी एयर बेस क्या होता है ये सिस्टम होता है, एयर पे ये काम करता है। इसमें सिंपल सा क्या होता है, हम लोग एयर जितना डालते हैं उसी के डिफरेंस पे सेटिंग इसमें रहता है, उस पे ये जो है हम लोग को स्टेटस देता है। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये एक स्विच की तरह काम करता है। ये क्या होता है, प्रेशर स्विच की तरह काम करता है। ये हमें क्या करता है, स्टेटस देता है, NONC सिंपल सा ये देता है। तो ये हम लोग ओपन करेंगे तो पता चलेगा। तो ये हम लोग यहाँ से इसमें ओपन करते हैं। तो एक्चुअली में ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पर यूज किया जाता है। अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो HVAC सिस्टम में मोस्टली इसका यूज होता है, जो HU होता है वहाँ पे किया जाता है। HU जो होता है वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज किया जाता है कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर अलार्म के लिए, या फैन का जो स्टेटस है रनिंग है या ऑफ है उसके लिए, या फिल्टर जो है आप लोग को पता होगा कि प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, हेपा फिल्टर लगा रहता है HU में, तो उसका स्टेटस के लिए, वो डस्टी है कि सही है उसका स्टेटस के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये आप लोग को पता चल गया कि ये किसके लिए यूज किया जाता है। इसमें जो है मैं आप लोग को जो है ओपन करके दिखाता हूँ कि इसका वायरिंग कैसे है, कैसे ये काम करता है। तो ये जो है ओपन करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे ये इजीली जो है ओपन हो गया। तो ये जो है प्रेशर का सेटिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको घुमा के सेट कर सकते हैं। इसमें रेंज होता है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 20 से लेकर 200 रेंज तक इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटस ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट जो है 20 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे हम लोग जितना सेटिंग रखना होता है यहीं पे रखते हैं। मैं आप लोग को जो है बताऊँगा कैसे काम करता है तो आप लोग को समझ में आएगा। तो रेंज होता है अलग अलग, ये 20 से लेकर 200 है, कहीं कहीं पर 100 से लेकर 400, 500, 1000, अलग अलग रेंज का, अलग अलग कंपनी का होता है स्टैंडर्ड इसका, जो जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को जिस पर्पज़ के लिए यूज करना होता है उसी के हिसाब से हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे जो है हम लोग को फिल्टर का स्टेटस वगैरह लेना है तो 200 तक काफ़ी है, वहीं प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए लेना है तो हम लोग 600, 700, 1200, 1500 रेंज का लेते हैं। फिर वहीं जो है लो प्रेशर के लिए अगर लेना है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग यूज पे। फैन का स्टेटस वगैरह लेना है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा रेंज का लेते हैं, जैसे फ़ैन का कैपेसिटी है वैसे हम लोग इसका रेंज लेते हैं। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1, 2, 3 ये आप लोग देख सकते हैं, 1, 2, 3 इसमें नॉब आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है कॉमन का रहता है। वहीं पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा इसका वायरिंग 1 और 2 NC है, यानी ये 1 है, ये 3 है, सॉरी ये जो है 1 और 3 जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 1 और 3 NC है, 2 जो है NO है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है आप लोग देखेंगे 1 है, आप लोग देख सकते हैं 1 है, ये जो है 2 है, ये जो है 3 है, आप लोग देख सकते हैं। यानी इसमें सिंपल सा ये कॉमन रहता है, ये जो होता है ये NO होता है, ये 1 और 3 जो है NC होता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को देखने को मिल जाता है। मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो HU में ये और ये दो टर्मिनल जो है आप लोग को यूज करने के लिए ज़्यादा दिखेगा, ये NO यूज किया जाता है। हम लोग NO लेते हैं, क्या होता है जब प्रेशर कम हो जाता है एक लिमिट से सेट पॉइंट के हिसाब से, तो ये NC देता है। ये सिंपल सा क्या करता है कि जब हम लोग जितना इसमें प्रेशर सेट पॉइंट लेते हैं उतना डिफरेंस जाता है, तो ये हमारा पहले नॉर्मली ये NO रहता है, बाद में NC हो जाता है, NC आ जाता है तो हमारा स्टेटस मिल जाता है कि फिल्टर डस्टी है या अलार्म है या फैन जो है हमारा ऑफ हो गया है, तो उसी के लिए ये यूज किया जा रहा है। तो जो है मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है तो आप लोग को और अच्छा से क्लियर समझ में आएगा। इसमें ये काम कैसे करता है ये हम लोग को देखना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो P1 है, यहाँ पे जो है P2 है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो होता है प्लस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा। तो ये लो और हाई साइड, इसमें ये हाई साइड है P1 और P2 जो होता है लो साइड में हम लोग यूज करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट है मैं आप लोग को बताऊंगा किस पोजीशन, किस टाइम में कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है हाई साइड मतलब क्या है कि ज़्यादा प्रेशर वाला इधर हम लोग डालते हैं और लो प्रेशर में इधर डालते हैं, नेगेटिव इसमें डालते हैं। मान लीजिए
कि हम लोग को किसी फिल्टर का स्टेटस लेना है कि वो डस्टी है या सही है, तो फिल्टर का डिजाइनिंग होता है, डिजाइनिंग के हिसाब से हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो मान लीजिए ये हाई साइड में ये जो है P1 को हम लोग डाल दिए, और यानी फिल्टर से पहले जहाँ हमारा हवा आ रहा है वहाँ पे, और फिल्टर के बाद जो है आप लोग देखेंगे P2 को डाल दिया। इसमें नॉब लगा हुआ है, मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है HU लगा हुआ है उसको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये फिल्टर का पहले है तो ये P1 में कनेक्टेड होगा। आप लोग देख सकते हैं ये P1 में कनेक्टेड है, आप लोग देख सकते हैं हाई साइड। ये जो है फिल्टर से पहले है, ये फिल्टर का बाद है, ये लो साइड है। लो साइड वाला अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है कनेक्टेड है, लोग देख सकते हैं ऊपर जो है कनेक्टेड है इसमें। तो ये हाई वाला P1 में, ये P2 में कनेक्टेड है, तो इससे पता चल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये है, वैसे इसमें जो है कनेक्शन होता है, पाइप हम लोग ट्यूब लेके आते हैं डाल देते हैं सिंपल सा। तो इसका सेटिंग मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 40 रख दिया तो ये कैसे NONC करेगा मैं आप लोग को वो बताता हूँ। आप लोग वहाँ पे देखिए हाई साइड में ये लगा हुआ है, मान लीजिए कि जो हमारा पहला जो है हाई साइड वाला में यहाँ पे 200 प्रेशर आ रहा है, और यहाँ पे जो है हमारा कितना आ जा रहा है 150 आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा। 200 यहाँ आ रहा है, और दूसरा साइड में फ़िल्टर के जस्ट बाजू में मैं आप लोग को दिखाया जो फ़िल्टर के बाद में यहाँ पे 150 आ रहा है, 150 आ रहा है, तो क्या होगा 200 से में अगर हम लोग हटाएंगे 50 तो कितना हो जाएगा, तो 50 आएगा। और यहाँ पे सेटिंग जो है कितना है 40 है, यानी इस रेंज से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मली ओपन रहेगा, जैसे इसका रेंज से ज़्यादा जाएगा 40 से ज़्यादा जाएगा तो ये क्या करेगा NC हो जाएगा। तो स्टेटस मिल जाएगा कि जो हमारा फ़िल्टर है वो गंदा है। तो जितना हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो है 60 से लेके 120 तक हम लोग या 150 तक रखते हैं, लेकिन नॉर्मली आप लोग वहीं जाएंगे 60 80 100 तक नॉर्मल जो है फ़िल्टर का स्टेटस मिल जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 80 हम लोग रख दिए, तो यहाँ पे जो है प्रेशर अगर हमारा 200 मिल रहा है तो यहाँ पे 120 तक मिलेगा तब भी ये जो है हमारा NO देगा। जैसे 120 से ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा NC दे देगा, ये NONC देता है। अगर मान लीजिए हम लोग को क्या करना है कि इसमें NC NO दोनों लेना है, तो इसमें हम लोग कॉमन डाल देंगे, एक जो है ये हम लोग NO के लिए यूज कर लेंगे, ये NC के लिए यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आराम से ये दोनों जो होगा NO मिलेगा, ये NC मिलेगा, ये दोनों NO मिलेगा, सिंपल सा है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है फ़िल्टर के लिए जो है आप लोग को स्टेटस मिल गया। अब वही जो है अगर हम लोग जो है इसको फ़ैन का स्टेटस के लिए यूज करेंगे तो हाई साइड को यहाँ पे डालेंगे, लो साइड को यहाँ पे डालेंगे, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारा डिफरेंस पे काम करता है कि जो है दोनों का बीच का डिफरेंस जो है ज़्यादा कम हो जाता है। मान लीजिए 100 रखती हैं, उससे मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पर प्रेशर 200 मिल रहा है और यहाँ पे 100 मिल रहा है, तो ये ट्रिप हो जाता है, लेकिन लोकेशन जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर में क्या देखें कि हाई साइड में ये लगा है और ये हमारा लो साइड में, वहाँ भी हाई साइड में ये लगेगा और लो साइड में ये। आप लोग को यहाँ पे HU जो है उसमें लगा हुआ है उसको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये फ़ैन का फ्लो का स्टेटस के लिए है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक पाइप आ रहा है, तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे लो साइड का है और ये हाई साइड का है, तो ये हाई साइड का है तो ये कहाँ से आता है फ़ैन का, अगर आप लोग देखेंगे बाद का है। ये फ़ैन में जो है हमारा सप्लाई जिधर जा रहा है ये सप्लाई लाइन है, तो सप्लाई लाइन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यानी फ़ैन जो है हमारा प्रेशर ज़्यादा देगा उस साइड से लेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो फ़ैन से पहले ये लो साइड का लेंगे। उसमें आप लोग क्या देखें कि जो फ़िल्टर था उससे पहले हाई साइड लिया जा रहा था और फ़िल्टर के बाद लो साइड, इसमें क्या होगा कि फ़ैन से पहले जो है लो साइड लिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लिए कि ये लो साइड यहीं पे है और फ़ैन के बाद जो है हाई साइड का, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा जो है फ़ैन के बाद ही मिलेगा, फ़ैन के पहले जो है कम प्रेशर मिलेगा। तो इसका सेटिंग अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है 80 पे रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 80 पे रखा हुआ है, तो जो है हमारा जितना डिफरेंस उससे कम होगा तो ये क्या करेगा हमारा फ्लो को दिखा देगा कि वहाँ पर जो है हमारा जो फ़ैन है वो नहीं चल रहा है, ये BMS स्काडा से कनेक्टेड रहता है, स्विच की तरह काम करता है। इसमें कोई पैरामीटर मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जो सप्लाई हम लोग इसमें डालेंगे कॉमन में वहीं यहाँ से आउटपुट कर सकते हैं, या हम लोग इसमें डालेंगे यहाँ से आउटपुट होता है, ये NONC सिर्फ देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चला होगा। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।